आजाद लोगों, गुलाम कौम के जिंदा दिल लोगों, जिनकी रूह और जिनका जमीर जिंदा है, और सबको 24 करोड़ जिंदा लाशों का सलाम। आप लोग उन 24 करोड़ लोगों की उम्मीद हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, खुदा का वास्ता है, ना तादाद से ना जज्बे से, क्योंकि यहां पर जितने लोग मौजूद हैं, आपकी जब वीडियोस मेरे थ्रू या किसी भी थ्रू लोगों तक पहुंचती है, तो उन्हें एक होप नजर आती है, एक उम्मीद नजर आती है कि ये 72 साल का शख्स जो 6x8 के सेल में बैठा हुआ है, उसके लिए बोलने के लिए अभी कुछ जिंदा दिल लोग मौजूद हैं। यहां से कुछ फासले दूर MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सन 1992, ये झंडा जो आपके हाथ में उठाया है, इस शख्स ने लहराया था। आज 31 साल बाद आप लोग इसके लिए एहतजाज करने 2 किलोमीटर दूर खड़े दुहाइयां दे रहे हैं। खातून रो रही थी, एक बच्ची मेरे साथ खड़ी रो रही थी। लोग कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, सोचते हैं कि ये नाजो नाम में पला हुआ किस तरह 6x8 के सेल में, जहां टांग सीधी नहीं कर सकते, गंदे फ्लोर पर, जहां पर टॉयलेट बिल्कुल साफ है। बाबर रोहान की बातें सुने आज वो क्या कह रहा है। आपको पता है ये वुकला को क्यों नहीं मिलने देते? इसलिए कि वो जाके बताएंगे बाहर। मैं रोजाना उन वुकला से बात करता हूं, वो कहते हैं सच बताएं तो लोग सुन नहीं सकते, करते क्या है। इस शख्स के साथ और कसूर क्या है, आप सोचे इसका कसूर क्या है। इसने आपको क्या दिया, इसने आपको कौम बनाने की कोशिश की। जितने लोग यहां पर खड़े हैं इस वक्त, एक डॉक्टर, कोई जज, कोई लॉयर, आप लोग मुल्क छोड़कर आए, ये आपको वापस लेकर जाना चाहता है। ये चाहता है ये बच्चे जिन्होंने इसका मास्क पहना हुआ है, अपने मुल्क में आकर उस मुल्क को ऊपर लेके जाए। क्या ये गलती है? वो कहता है करप्शन ना करो, इस कौम को मत लूटो, ये जिंदा लाशें इनके ऊपर से कफन मत छीनो। उसको उठा के जेल में, और जो उसके सामने चोर, डाकू, लुटेरे, दरिंदे, बदकिरदार, बदनुहान दिन दहाड़े लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं उस जिंदा लाशों को, वो सारे बाहर फिर रहे हैं। सारे कहते हैं हमारी धरती भांज है। मैं तारीख पढ़ रहा था, क्यूबा के पास चिगोरिया, अफ्रीका के पास मंडेला था, हिंदुस्तान के पास गांधी था, तुर्की के पास अर्दगान था, अदनान मंदरेस था, एक हम थे यतीम लावारिस, कभी अब्दाली को, कभी गजनवी को अपना बनाते रहे, कभी मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ते रहे। हमें अल्लाह ने एक दिया, वो भी इन्होंने छीन लिया है। कोशिश करो, उठो, खुदा का वास्ता है, कोई नहीं कहता कि जाके लड़ो। कोई नहीं कहता कि लड़ाई करो। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें कौन दहशतगर्द है? सब शरीफ लोग हैं, मम्मी डैडी हैं, ये लड़ने वाले नहीं हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं उसको रिहा करो, वो बाहर आए, मुल्क में इलेक्शन करवाओ, अवाम का फैसला लो। 75 साल की तारीख में 23 वजीर आजम और एक भी वक्त पूरा नहीं कर सका, एक भी पूरा नहीं कर सका। क्या दुनिया की इस तारीख में ये आपके साथ यहां 15 अगस्त को हिंदुस्तान का जश्न आजादी होगा? जरा आकर देखिएगा वहां क्या जश्न हो रहा है, और यहां पे देखिए किस तरह नोए और कसीदे पड़े जा रहे हैं। आप सब लोगों के हाथ में पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, ये हमारा फख्र है। और देखे इसके मुखालिफिन कितने बदकिरदार, हुकूमत गई तो कहते थे 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। ये जेल में बैठा पैगाम क्या दे रहा है कौम को? 14 अगस्त शानो शौकत से मनाना, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। खुल के पाकिस्तान के लिए बोले, खुल के इमरान खान के लिए बोले, और पैगाम पहुंचाए पूरे पाकिस्तान को, 14 अगस्त कल खुशी के दिन, लेकर जाए मिठाई, लेकर जाए शक्कर, और नहीं है तो गुड़, क्योंकि इन्होंने तो हमें गुड़ के काबिल भी नहीं छोड़ा।
जाकर अटक जेल के बाहर बैठ जाए पुरमन, उसे अंदर पता चले बाहर कुछ जिंदा लोग उसके लिए मौजूद हैं। उसने एक बार नहीं कहा कि मैं निकलूं तो जोड़े बंद कर देना, जलाओ घिराओ करना, लड़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। पुरमन अंदाज में उसका पैगाम पहुंचाए। और मेलबर्न में जो लोग मौजूद हैं, जो यहां मेरा पैगाम जिन तक पहुंचेगा जो आज नहीं पहुंचे, खुदा का वास्ता है, कभी रात को बैठ के अकेले में सोचना जरूर कि जब मरोगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। उसने तुम्हें एक मौका दिया है, 47 में नहीं थे, 71 में नहीं थे, 2023 में मौजूद हो। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर सबके पास है, उससे भी अच्छा हो जाएगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आखिर में फाकरे के कब्रिस्तान में ही पड़े होंगे। ये जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन ये याद रहेगा, ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे। और इमरान खान का क्रेडिट आपको बताऊं, इसने 15 साल के बच्चों के जहन में वो शऊर डाल दिया है कि अगले 50 साल तक वो शऊर नहीं निकल सकता। इन लोगों ने इमरान खान को वो जज्बा बना दिया है कि उसका जिस्म तो कैद है, उसकी रूह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका से लेकर सारे बड़े आजमों में हर पाकिस्तानी के दिलो दिमाग पर नक्श हो चुकी है। आखिर में मैं आपको सिर्फ एक बात बताता चलूं, यह खेल लंबा है, आप लोग थक जाएंगे, आप लोगों को लगेगा कुछ अरसे बाद जिस तरह इमरान रियाज को लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हैं, क्योंकि हमारी यादाश्त कमजोर है। इसीलिए मेरे जैसे लोग चीखते चलाते आपको झंझोड़ते रहेंगे, हम चौकीदार हैं, जागते रहो, नारे लगा लगा के जगाएंगे, उठो सुनो, जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल छीना जा रहा है, होश करो, तुम यहां आ गए हो, तुम कामयाब हो, उधर अभी भी बैठे हैं 24 करोड़, उनका भी सोचो, तुम्ही में से बहन भाई, तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं वो सारे, तुम्हारा ही खून है। इसी तरह आप लोगों ने भूलना नहीं है, ये खेल अब लंबा होने जा रहा है, 2020 टेस्ट मैच बनने जा रहा है, लेकिन इन्हें याद रहे कि खान टेस्ट प्लेयर है, उसके दौर में हिंदुस्तान से 10 दफा टाकरा हुआ और 10 दफा जीता, ये 4 दफा लड़े और 4 दफा हारे। ये मेरी बात वो समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता कि वहां लोग तंग होते हैं, मैं आपको सिर्फ यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप में से हर एक शख्स एक ताकत रखता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और खुदा के लिए हर वक्त जिस अंदाज में आपको लगे इसकी आवाज उठाएं, इसके मास्क ऊपर लहराए कि मेरे कैमरे में आए, आज मैं लोगों को दिखाऊं कि पूरे मेलबर्न में सिर्फ एक शख्स नजर आ रहा था पाकिस्तानियों में और वो था इमरान खान। आज मैं पाकिस्तान का नारा लगाता हूं, बराए मेहरबानी जवाब जरा इस तरह दे कि जिस तरह हम लोग जिंदा हैं, ऐसी आवाज ना हो कि मुझे खुद शर्म आए। पाकिस्तान।